खरखोदा शहर में लोगों को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के खतरे से जागरूक करने के लिए खुद डॉक्टर्स की टीम सड़कों पर उतरी हुई दिखाई दी। खरखोदा के सरकारी अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर नितिन फलसवाल व उनकी टीम खरखोदा शहर की गलियों में घरों से बाहर निकले लोगों को कोरोना जैसी भयानक बीमारी के बारे में जागरूक करते हुए अपने घरों में रहने की सलाह दे रहे थे। वहीं डॉक्टर नितिन फलसवाल ने बताया कि खरखोदा शहर में एहतियात के तौर पर कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें जनता सिरे से निभा रही है। वहीं डॉक्टर फलसवाल का कहना था कि खरखोदा में संक्रमण की संख्या को जीरो रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी। नहीं, एक्चुअली जो खरखोदा की जो ग्राउंड लेवल की स्थिति है, बीइंग अ कोरोना नोडल ऑफिसर, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। और आज जो लॉकडाउन हुआ है वो कल के लॉकडाउन से काफी बेटर था, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट्स के थोड़े बहुत चांसेस हैं, जिसमें पुलिस के साथ मिलकर के और हेल्थ की टीम लगी हुई है। और अगर ऐसी स्थिति रही और यही इम्प्रूवमेंट्स हम करते रहे तो बाय गॉड ग्रेस फॉर्चुनेटली शायद हम कामयाब हो जाएंगे जिस चीज के लिए हम लगे हुए। क्या अभी तक कोई केस मिला है सर? अभी तक नहीं, खरखोदा के मेरे एरिया का जिसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ उसके अंडर का अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। लेकिन एहतियात के तौर पे जो लोग बाहर से आए थे, विदेश से आए थे, उनको घर में क्वारंटाइन कर दिया गया और हमारी हेल्थ की टीम उनके ऊपर पैनी नजर बनाई है। यहाँ तक कि आज जो एक नई चीज हम लोगों ने करनी शुरू करी है, अगर कोई केरल से या राजस्थान से आ रहा है उसको भी होम क्वारंटाइन हम लोग एहतियातन तौर पर करने लगे। थैंक यू।